दीदी तो फिर अपने मस्त BGMI खेल रही है ना दीदी। BGMI कौन सा? रैंगल। दीदी फिलहाल रैंगल खेल रही है। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. तो सुबह सुबह भाई साहब आज तो उठा भी नहीं जा रहा, तो थोड़ा लेट हो गया उठते उठते। 7:20 हो चुका है और 8 बजे तक मुझे जाना है दुकान पे। तो फटाफट से रेडी वगैरह होता हूँ। रात में स्वेटर पहना नहीं इसलिए बहुत ही ठंड लगी गई रात में। इतनी ठंड लगी ना पूछो मत यार, मैं तो बार बार करवटे ले रहा था। अभी भी बहुत ही ठंड लग रही है। तो कोई नहीं, पहले तो चलता हूँ फटाफट से फ्रेश अप होने, फिर दुकान भी जाना है। भैया तो कब भी के निकल गए। अरे पापा उठ जाएगा बस, अब मम्मी उठना बाकी है। दीदी तो सुबह कभी ही उठ जाती है बस, क्योंकि दीदी है ना हर रोज वॉकिंग करती है। अभी मैं तो कर नहीं पाता क्योंकि सुबह उठने का मन ही नहीं होता है गाइस, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह क्या है, बहुत ही आलस आता है ठंड की वजह से। जैसे गर्मियाँ चढ़ जाएगी ना फिर तो उठने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और मज़ा आएगा सुबह सुबह उठने में, क्योंकि गर्मी में उठना मुझे और अच्छा लगता है। सर्दियों में अच्छा नहीं लगता क्योंकि सर्दियों में ना नींद ज़्यादा आती है और आलस भी ज़्यादा आता है। तो कोई नहीं, फिलहाल तो अभी चलते हैं फ्रेश अप हो जाते हैं। दीदी ने गर्मा गर्म पानी रखा है, नहाने के लिए नहीं गए, नाश्ता बनाने के लिए। कुछ नाश्ता बनने वाला है जो कि घाट, क्योंकि दीदी देखे स्वेटर पहने के। और भाई तो चलते हैं अभी फ्रेश अप हो जाते हैं। अपना टुवाल भी आ चुका है और मम्मी भी फिलहाल उठ चुकी है, तो मैं चलता हूँ और फ्रेश अप कर। सो गाइस सभी रेडी वगैरह तो हो चुके हैं, तो फिलहाल अभी निकलते हैं दुकान के लिए। ब्लॉग अपलोड वगैरह तो हो चुका है, जैसे मैं वॉशरूम गया ना अपलोड करके चले गया था, तो अपलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फिलहाल चलते हैं, अब अच्छा 10:00 पे आ जाएगा तो मैं चलता हूँ दुकान पे। पहले मेरा चार्जर वगैरह जो भी चाहिए वो ले लेता हूँ। यार सेल्फी स्टिक तो मैंने जो है ना दुकान पे रख दिया था, ट्राइपॉड स्टैंड प्लस सेल्फी स्टिक, उसको दुकान पे रख दिया था। और अपने चार्जर भी ले लिए और क्या अच्छी है, गाड़ी की चाबी भी आ गई। तब चलते हैं, मास्क भी आ गया तो अब निकलते हैं गाइस दुकान के लिए। बाय बाय दीदी, बाय बाय मम्मी। दुकान पे तो पहुंच गए, तो भैया को मैंने टिफिन भी दे दिया और भैया ने टिफिन भी कर लिया जो भी। तो फिलहाल भाई सब पापा के इंतजार करते हैं, देखते हैं पापा का कॉल कितने देर में आता है। यार आज अभी टाइम एग्जैक्टली 8:44 हो रहा है और मेरे ख्याल से गाइस 9:30 अप्रोक्सीमेटली पापा का कॉल आएगा और मैं जाऊँगा पापा को घर पर लेने के लिए। तो देखते हैं एग्जैक्टली टाइम आता कितने बजे, तो इंतज़ार करते हैं अभी पापा का। यार अभी तो बहुत देर इंतज़ार कर लिया, तो टाइम आके अभी 9:52 हो चुका है यार। तो अब चलते हैं पापा को लेके आते हैं। पापा को हर बार 10 आराम से बच जाते, मैंने बोला था ना 10:00 तक तो आराम से आ जाएंगे। चलता हूँ पापा को लेके आते हैं, रास्ता कवर कर लिया पापा आ चुके हैं। फिलहाल वापस से दुकान पर चलते हैं, दुकान पर तो पहुँच चुके हैं और मैं भी पहुँच गए। सो गाइस मैं तो ऊपर आ गया था, यानी मैं अपने छत पर आ गया था, क्योंकि दुकान पर कुछ काम है नहीं, क्योंकि कस्टमर है नहीं गया था। और मस्त थोड़ी गर्मी में आ गया ताकि मैं धूप में गर्म हो सके थोड़ा, क्योंकि बहुत ही ठंड लग रही थी ना सुबह से, थोड़ा हम भी सेक जाएंगे तो बस इसलिए आ गया था। तो भाई साहब इधर तो कितने सारे सामान पड़े आपको दिख रहे हैं, इधर तो आधा सा जो भंगार था ना उसको हमने पिछले वीक ही बेच डाला था, जो कि मैंने ब्लॉग भी बनाया उसका, आपने वो देख लिया होगा। तो बस मैं थोड़ी देर से इधर ही घूम रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत हीट हो जाओ, यानी थोड़े बहुत अंदर से गर्मी आ जाए। अंदर तो मत गड़े यार, पूरे टूट चुके हैं सूरज के जैसे, अंदर पूरे गड़े गड़े पूरे सूरज की वजह से ब्रेक हो गया यार, और थोड़े हमारे वजह से भी ब्रेक हो गए, क्योंकि है ना ये टंकी को है ना इधर उधर पटकते रहते ना, उससे घर में डैमेज हो जाता है। तो गाइस मुझे अभी अभी आवाज़ सुनाई दी, पापा और भैया इधर फिलहाल एक पाइप कटिंग कर रहे हैं। जी भैया इधर है, पापा तो मेरे ख्याल से अंदर चले गए, जस्ट अभी अभी खड़े थे वो सब, वही पापा गए। तो गाइस ये है मेरा शैडो, दिख रहा है इधर हूँ मैं, इधर हूँ मैं। हाँ आई कस्टमर्स को पाइप दे रहे, पापा भी खड़े थे लेकिन पापा जी सभी अभी है ना अंदर चले गए दुकान के अंदर, नहीं तो पापा भी दिख जाते आपको। तो मैं भी अभी चलता हूँ, मैं बहुत देर से इधर ही खड़ा था, थोड़ी देर तो मैं सीधा आराम से सीढ़ियों पे मैं बैठ गया, अब एकदम गर्मा गर्म हो गया शरीर। तो अभी अभी मम्मी का भी कॉल आया था, मम्मी बोल रहे थे दोपहर का खाना लेने आ जाओ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुकी है। मैं ना 11:30 को ऊपर आया था और अभी 12:00 खड़ा है, तो एक ऑफ एन आवर में जाएंगे घर पर और लंच लेके आएंगे, मैं और पापा साथ में जाएंगे आज। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे, बाकी इधर कुछ तो है भी नहीं, और गाइस बहुत देर रह ली अभी धूप में, अभी नीचे चलते हैं फाइनली। नीचे आते ही एकदम थोड़ा थोड़ा ठंडा का एहसास हो गया। टाइम 12:30 हो चुका है, तो फिलहाल मैं और पापा निकल चुके हैं, क्योंकि मैच करने के लिए जा रहे हैं। पापा तो फिलहाल घर पे रहेंगे, मैं वापस आऊँगा। उससे पहले मम्मी ने कहा था थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेके आना है, तो पहले मम्मी को कॉल करता हूँ, बड़ी सब्जियाँ मुझे पता है नहीं, फटाक से करते पापा कॉल और सब्जियाँ पूछते बंदे बंदे लाने हैं। मुझे
गोभी के दुकान पे तो पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल मैं लेता हूँ एक गोभी और पापा तो आलू और टमाटर ले रहे हैं। तो ये छोटी वाली आलू ले लेते हैं अपन, छोटी बहुत हो जाएगी। मैं और पापा आ चुके हैं अभी सब्जी वाले दुकान पे, तो फिलहाल सब्जियाँ ले रहे, पापा तो टमाटर ले लिया है और मैंने इधर है ना बॉटल क्राउट ले लिया। भिंडी दिख नहीं रही इधर यार, इधर पड़ी है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया भिंडी तो इधर बीच में पड़ी है। भिंडी इतनी सारी स्टॉक रहनी चाहिए, बाकी बहुत ही कम है अंकल के पास भिंडी। भिंडियाँ देख रहे भिंडी बस, भिंडी गाड़ी चमके रही है, देखो नहीं फोन में कैडी चमके रही ना, असलियत में कैडी है। हाँ तो गाइस पापा ने थोड़ी बहुत भिंडी ले ली है, टमाटर आलू वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, बाकी ये सभी व्यापार ही चल। सब्जी वगैरह ले ली हमने, तो बिल तो हो चुका है अपना, तो चलते हैं। अपन जो भी सामान रहे भाई इधर, रे भाई पड़ जाएगा कवर, बच गए भाई साहब, चला आ गया। जो भी सामान रहो इधर रख दिया, बस खेल खत्म, सोचने का ही काम नहीं हो गया। पापा बस पेमेंट कर रहे हैं, जैसे ही पेमेंट होती है फिर चलते हैं। पहुंच गए, आज कोई काम नहीं कर रहा, नहीं अंदर तरफ काम कर रहे, बाहर की तरफ आज कोई काम नहीं कर रहा है। भाई नीचे कितना सारे सीमेंट पड़ा है देखो यार, बहुत सीमेंट वेस्ट होता है। दीदी तो घर पे रोटी बना रही है, साथ में टीवी भी चल रहा है इधर, तो दीदी को रोटी बना देते हैं अपन चलते हैं। और फ्रेश अप हो जाते हैं, यानी हाथ मुँह धो लेते हैं फिर खाना खाने बैठते हैं। मम्मी तुम इधर बैठे, क्या है मम्मी? ये तिली है बेटा। तिल के लड्डू कब बनाओगे? खाने का है क्या आपको? हाँ हाथ में वगैरह तो धो लिया है। तो आज गाइस इतने दिनों के बाद में ना सब लोग साथ में लंच करेंगे। दीदी है सिवा, दीदी तो रोटी बना रही है, क्या हमें वापस से दुकान भी जाना होगा ना, तो मैं तो दुकान पे जाऊंगा, इसलिए फटाफट से लंच करते। मेथी की सब्जी है थोड़ी ले लेते, और मम्मी सब्जी दो ना वो मुझे पास करो ना, और अपनी आलू की सब्जी भी बनी है गाइस। हाँ नहीं फिर आपको भी चाहिए ना, क्योंकि आप आलू नहीं खाते हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सब्जी आलू का ले लूँगा और थोड़ा ये ले लूँगा। रोटी भी आ चुकी है, अभी एक रोटी ले लेते फटाक से करते हैं लंच वगैरह हो गया है, तो फिलहाल मैं वापस से दुकान पर चलता हूँ। पापा तो घर पर ही रुक रहे हैं रेस्ट करने के लिए, पापा को है ना सुबह से थोड़ा बहुत सर दर्द दे रहा था, तो मैं ही अकेले चलता हूँ, भैया के टिफिन मेरे हाथ में, तो चलते हैं दुकान में। दुकान पे तो पहुँच चुके, तो भैया तो फिलहाल इधर खड़े कस्टमर्स कर रहे हैं, जैसे कस्टमर्स खाली होते हैं भैया को बोलते हो भैया आप लंच कर लो क्या, ओके फटाफट से लेके आता हूँ। फाइनली जो भी कस्टमर्स आए थे सबको सामान देखे बिगा दिया यार, अचानक ही बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, कभी कभी है ना अचानक बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं हम संभाल ही नहीं पाते, और उस वजह से है ना बहुत कस्टमर खाली भी जाते हैं, और कभी कभी कोई आता ही नहीं गाइस, पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। तो भैया तो फिलहाल अभी लंच करने बैठे हैं, और भैया फ़ोन में बातें करते करते लंच कर रहे हैं। तो गाइस कार की हालत तो देखो यार कैसे हो चुकी है, हम वन वीक है ना कार का इस्तेमाल भी नहीं किया, पहले तो रोज़ शाम को हम कार ड्राइविंग करने के लिए भी जाते थे जो सीखने के नाम है, तो रोज़ शाम को ड्राइविंग करने के लिए जाते थे, बाकी अभी तो वो भी नहीं जा रही क्योंकि हर शाम में कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है, तो कर ही नहीं पा रहे। तो वन वीक हो चुका हमने कार बिल्कुल टच भी नहीं किया, इधर से इधर ही पड़ा है, तो कितनी धूल जम चुकी है, बहुत ही धूल जम चुकी है इधर, पूरा देखिए कितना धूल आ चुका है, एकदम नाम लिखे सो रहे। और इस तरफ तो कोई बात नहीं, इस तरफ तो देखो यार भाई पूरे ना सब लोग ऐसा घिस घिस, क्योंकि कोई अभी इधर से चलते चलते जाता है ना इधर से, तो सब लोग बस ऐसे ऐसे करते करते जाते, कोई भी बच्चे रहें दो कोई भी ऐसे, तो पूरा धूल ही धूल जम चुका है ऊपर वगैरह ऐसे करते, भाई देखो कितना धूल आ चुका है भाई, पहले तो इसको साफ करेंगे, एक शॉट मार दे भाई धूल फिर उड़ जा रही है इधर से, तो क्या है उड़ रही है यार धूल। बहुत साफ सफाई की और तभी है ना सामान आ गए, जैसे कि ब्लैक पाइप का बंडल आया एक, और पेंट का सामान भी आ गया मालूम, देखो ये पेंट का सामान आया, तो भाई साफ कर ही नहीं पाया मैं तो कार का। तो अभी शाम के 6:12 हो चुकी है और पापा तो अभी तक आया भी नहीं दुकान पे, तो पापा का कॉल मुझे बिल्कुल भी नहीं आया आज, जस्ट मैं ही उल्टा पापा को कॉल करता है, कस्टमर को बेचने के लिए जो भी सामान चाहिए था ना कोई की एक रेट मुझे जानना था, तो उस रेट को पूछने के लिए मैं उल्टा पापा को कॉल किया, लेकिन पापा मुझे कॉल नहीं किया। मैंने जो बाहर देखा ना भाई, तभी मुझे याद आया कि मैंने आज सुबह है ना गाय को रोटी देना भूल गया था, तो फटाक से आते भाई सामने से गाय जा रही है देखो, तो गाय को रोटी देते हैं, वो
वाली गाय तो रोटी खा रही नहीं थी, तो मैंने इस वाले गाय को रोटी दे दिया। दुकान में चलते यार, भैया ही बैठे बस दुकान में, बाकी कोई है भी नहीं। ओ भाई चलो, गाय को रोटी तो दे दी। मैं ना एक्चुअली सुबह भूल ही गया था, बोलते दोपहर में हम ना रोज दोपहर की रोटी बनाते ना, तभी गाय को देते, तो मैंने ना देना ही भूल गया था, तो भाई अभी याद आ गई थी इसलिए दे दिया। दिख गई थी गाय मुझे, इसलिए दे दिया गाय को रोटी। तो अभी मम्मी का कॉल आ चुका है, तो अब चलते हैं घर पे। घर पे तो पहुंच चुके, हाथ मुँह कर धो लिया है। फिलहाल घर पे तो पहुंच चुके हैं, तो अभी करते हैं डिनर, क्योंकि हाथ मुँह कर सब धो लिया है, तो सब लोग इधर ही बैठे हैं। तो पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद एडिटिंग और सब कुछ कंप्लीट भी करना है। मस्त मस्त दाल चावल बने, तो मस्त हेल्दी हेल्दी खाना खाते हैं और फिर एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो गाइस डिनर वगैरह हो चुका है, तो बस अभी सो ही जाएंगे। तो दीदी दीदी तो फिलहाल अपने मस्त BGMI खेल रही है ना दीदी। BGMI कौन सा? इरांगल। दीदी फिलहाल इरांगल खेल रही है, और मम्मी मस्त है ना, दो तीन दिनों से बस भजन में ही बिजी है। रात में तो बहुत ही नींद आ रही थी, पटाखे में ना थोड़ा बहुत जितना हो सको एडिटिंग किया और बस सो ही गया। फिलहाल गाइस मुझे अभी ये 2 फ्लोर करना बाकी है, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ऐसे तो हमारे पास अभी टाइम बहुत है, ऐसे तो इसकी 8 to 2 hours तक, 2.5 hours तक टाइम है, तो कोई नहीं अपलोड तो हो जाएगा। तो फिलहाल गाइस अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।